और सुबह इसके साथ हम लोग हैं यहाँ पे एक बस ड्राइवर, और अभी अब बस तो बच्चों को टूर पे ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको देखते हैं। तो गाइस हम एक बस ड्राइवर हैं और अभी हम बच्चों को बस टूर पे ले जा रहे हैं, मतलब कि मुंबई और कोल्हापुर। तो आप देख सकते हो हमने बोर्ड भी लगा लिया और हमने हमारी बस स्कूल के लिए रेडी कर दी। इंडियन एयरपोर्ट का साइन आ रहा है। अभी हमें एयरपोर्ट तो नहीं जाना, हमें स्कूल में जाना है। और हम कैसी तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, हमारी बस को तो ठीक ठाक तरीके से ले जाते हैं। गाइस कुछ प्रॉब्लम है, कैसे जाएगी ऐसा चीज़ें, यहाँ पर ट्रेन रोक दिया और सही साइड कहीं जाते हैं, तो फटाफट से स्कूल की तरफ ले जाते हैं। वो स्कूल भी आ चुकी है, तो हम यहाँ पर सॉरी शायद ये नहीं होगी, हमें लोकेशन ठीक से याद नहीं रहती। गाइस हम लोकेशन देखते हैं उसके बाद बताते हैं। तो गाइस स्कूल में आ चुके हैं और बच्चे लोग बैठ भी चुके हैं, तो अभी हम निकलते हैं फटाफट से मुंबई और कोल्हापुर बच्चों को टूर पे ले जाने के लिए। तो लेट्स गो, फटाफट से यहाँ से गाड़ी में घुमाते हैं। बहुत ही उस तरीके से वो घुमानी नहीं, आगे ले जानी है, वही रास्ता घूम गया गाइस। तो चलो आगे आगे तरफ ले जाते हैं। यहाँ से तो रास्ता, यहाँ से ही बस चली जाएगी क्या? हाँ चली जाएगी, थोड़ा सा झटका लगेगा चली जाएगी। और अभी हम बंगलों की साइड पे हैं, तो क्या है मांसपड़ा रहते हैं, अभी हम राजस्थान है और अभी हमें जाना है महाराष्ट्र। कुछ टीचर्स ने कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा दूर का टूर नहीं सोच लिया, हम राजस्थान की बांसवाड़ा में रहते हैं, इसलिए बहुत चाहिए रॉन्ग साइड पर चला रहा है मेरे हिसाब से। हाँ रॉन्ग साइड पर है, अभी हम राइट साइड पर आ चुके हैं, तो फिर भी ये पूरा रास्ता ले रखा है। यहाँ से पुलिस की जीप आई और ये देख सकते हो गाइस, अभी हम पहुँचते। तो गाइस आप सभी का स्वागत है मुंबई में, हम मुंबई आ चुके हैं। तो बच्चों को सबसे पहले बीच दिखाना है, तो अभी हम बीच की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी घंटों सफ़र करने के बाद मुंबई पहुँचे हम। तो चलो भाई बच्चों को बीच पर लेकर चलते हैं फटाफट से, यहाँ से बस को निकालते हैं। और बहुत टाइम लगा है यहाँ पे, सब अभी अभी इनको उतारेंगे और थोड़े बहुत सिखा देंगे। तो आप देख ही सकते हो हम बीच पे तो आ चुके हो, गाड़ी को मोड़ने का टाइम ही नहीं है। वो गाड़ी मोड़ दी हमने, यहाँ पर बस निकल तो जा रही है लेकिन अबे कहीं और पार्क करनी होगी ऐसे। हाँ आगे जगह दिख रही है गाइस, इस पेड़ के पास ही पार्क कर देते हैं फटाफट। और आप देख सकते हो बच्चों को पहले बता रहे हैं और अभी हम बस से उतर जाते हैं। तो गाइस इधर बच्चों को ध्यान रखते रखते मैं आराम से यहाँ पर चढ़ चुका हूँ बस पर। और भाई यहाँ पे बच्चों को कुछ सामान वामान उतारना था इसलिए मैं बस पे चढ़ा। हाँ और वो भी चढ़ा भी इतने स्टाइल से, देखो अभी उतरते हैं हम। तो गाइस हमारी छलांग बहुत ही तेज़ होती है, आपको दिखाता हूँ अभी वापस चढ़ के। अरे साइड में आ जाता तो चलो गाइस अभी फटाफट से बच्चे लोग बैठ गए, बहुत इंजॉय कर लिया इन्होंने। अभी हम इनको लेकर जाते हैं मुंबई की सिटी के अंदर। बच्चों को कैसा सोच रहे थे कि सबसे पहले इनको बीच ही देखना, तो बीच तो देख लिया, वहाँ से सीधा बस को घुमा से ज़्यादा दूर नहीं है सिटी। और चलते हैं फटाफट से मुंबई घूम लेते हैं, उसके बाद कोल्हापुर चलेंगे। हाँ मुंबई बहुत ही बड़ा, अभी तक तो एक ही जगह घूमी है मुंबई। गाइस अभी तक मुंबई में बहुत कुछ देखना बाकी है भैया जी, ध्यान से पुलिस वाले कल। हाँ और गाड़ी में गाना चला कर चलेंगे, तो बच्चे लोगों को भी भूख लगी है तो हमें होटल पर रोकनी है गाइस। और ये होटल भी आ गई है, और भाई 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 भाई, भाई ये क्या कर था, बस को यहीं पे रोकते हैं और मस्त बच्चे लोगों को होटल में खाना खाने के लिए रोकते हैं। और मेरी बस के लिए पार्किंग नहीं मिल रही है, तो मैं राइट वाली जगह पर जाकर रोक सकती हूँ। हाँ तो गाइस ये जगह ठीक रहेगी बच्चे के लिए। हाँ और आप देख सकते हो कि सभी बच्चे उतर गए, अभी हम भी उतरते हैं, हम भी उतर चुके हैं। तो चलो होटल पर चलते हैं, वो यहाँ से थोड़ी ना जाना है, कोई बात नहीं, हमारी छलांग बहुत ही ऐसी है कि आराम से जाने आ जाएगा। और हम आ चुके हैं। तो गाइस अभी बहुत भाई सभी बच्चों ने अच्छे से खाना वाना खा लिया है, अब चलते हैं बस की तरफ आराम से ही। और खाना वाना खा लिया, वैसे भी बहुत टाइम लगा है, आप सोच रहे होंगे कितना, कम से कम गाइस मैंने तो वीडियो बीच में ही रोक दी थी, वरना तो
कम से कम 2-3 दिन लगे थे। बीच में ज़्यादा कुछ नहीं आया, गुजरात आया, गंगापुर आया, वो मतलब गांधीनगर आया, गंगापुर कहाँ से आ गया, गांधीनगर आया। और इन लोगों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी नहीं देखी, कोई बात ही नहीं देखी। तो यहाँ से हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। और ये मैडम जी बस के आगे मुड़ने जा रहे हैं क्या? और अभी हम इनको एयरपोर्ट की साइड ले जा रहे हैं मुंबई के। तो चलो देखते हैं ये एयरपोर्ट की। वैसे टीचर को भी नहीं पता। अरे भैया पुलिस वाले भी देख कर निकल आते हैं गाइस, इसमें मेरी क्या गलती अगर इनकी टूट जाती तो। एयरपोर्ट का रास्ता तो इनको बता दिया, वो इधर से निकल के यूँ। चलो भाई चलता है, ये चुल्लू पांडे तो हो गया। ये अभी यहाँ से एयरपोर्ट यहाँ पर वो एयरपोर्ट यहाँ से इधर की साइड है। हम कितने अच्छे हैं ड्राइवर है गाइस, सब नीचे गिर चुके हैं। तो गाइस पिछली बार तो नीचे गिर गए थे, अभी एयरपोर्ट की तरह है उसके देखने के चक्कर में। चलो तो फटाफट से एयरपोर्ट आ चुका है गाइस फटाफट। अभी अंदर हमें एंट्री मिल जाए, कह देंगे बच्चे घूम रहे हैं सर प्लीज़ अंदर एंट्री दे दो। तो यहाँ से हमें यूँ घुमाना, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारा माइंड चला है और शॉर्टकट पकड़े। तो गाइस मैंने अपना माइंड चला लिया है वो, तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में मैंने बहुत ही गलत तरीके से, अरे यार आई का शॉर्टकट यहाँ से सामने भी था। ओके भैया जी कोई एयरपोर्ट जाने में कुछ लगा भी नहीं है यहाँ पर कि भाई किस साइड है। चलो अभी हम इस साइड में फोन करते हुए जाते हैं, पता नहीं कुछ ना कुछ तो रास्ता मिलेगा उधर। कोई एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट का ही है क्या? वो तो एयरपोर्ट इधर से घुमाना। चलो हम इधर तो ठीक ठाक जा रहे हैं और इधर एयरपोर्ट का कोई बोर्ड लगा है। ओ अंदर जाने के लिए अभी पुलिस वाले रोकेंगे, कोई कह देंगे बच्चे रह गए। तो चलो गाइस अभी हम अंदर एंट्री कर रहे हैं एयरपोर्ट के। और इधर स्टाइल से हार गुरु गुरु हो, अरे भाई 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 पुलिस मत तोड़ने। हाँ रुको रुको गाइस पीछे पुलिस वाले मिल जाए, गाड़ी को पीछे लेते हैं और सबसे पहले उतरते हैं। जो गाइस हम अंदर बात करके आता है टीचर्स को, कह दी टीचर्स भी उतर चुके हैं, वो आ रहे हैं पीछे, बात करके आते हैं पुलिस से। तो गाइस इतनी टाइम के बाद हमें परमिशन मिल गई है, बहुत दिमाग खराब हो गया पुलिस वालों ने। अंदर चलते हैं, बच्चों को घुमाते हैं और हम भी बच्चों को टूर पर आए हैं और पैसे मिलेंगे। और मैं कुछ गलत तरीके से आ रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पे ऐसे रनवे पे चलाना मना है। बच्चे लोग डरने लग गए भाई जी, इतने बड़े बड़े स्टंट जब करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अभी करके दिखाते हैं। अभी इतनी देर पहले तो हो भी रहा था, अब क्या हो गया? शायद ऐसा लेर रही थी, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं। वो मेरी वजह भी बस ही सरकारी लगती है ये इसको आप सरकारी बस ही मान सकते हो क्योंकि एकदम सस्ता सरकारी। मैं इधर कुछ आ रहा हूँ, मुझे पैसा कमाता है, ट्रक खरीदना है पैसा, ट्रक मतलब ट्रैक्टर खरीदना है, ट्रक तो नहीं एक ट्रैक्टर खरीदना है। अब आप सभी लोग सोच रहे हैं ट्रैक्टर के, तो हमारी जो आपको सबसे पहले मेरे घर का एक बार ट्यूर कराऊँगा कभी और वीडियो में, तब मैं बताऊँगा। तो गाइस अब हम मुंबई भी घूम चुके हैं, हमें सीधा कोल्हापुर निकलना है। तो गाइस आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।